जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलैवलं विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमन्निनाद वड्ड मर्वयं चकार चंड तांडवं तनु तुनः शिव शिवम which in English means performed a fierce and rapid dance tandav at a place sanctified by the divine water dripping from forest-like locks of hair of Lord Shiva. While performing the dance, he had the elongated garland of a snake supported around his neck, and he kept striking his hand drum, Damru, repeatedly, that was producing the resounding sounds of Dum, Dum, Dum. May this form of Shiva surround us all with auspiciousness. Iska Hindi mein arth hai, भगवान शिव ने एक पवित्र स्थान पर अपना तीव्र व त्वरित तांडव नृत्य किया। नृत्य करते समय उनकी घनी जटाओं से झरने जैसे टपकते दिव्य जल ने उस स्थान को पवित्र कर दिया। नृत्य करते हुए उनके गले पर सर्प रूपी एक लंबवत हार था एवं वे बार बार डमरू को बजा रहे थे, जिससे उत्पन्न होने वाली डम 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 की ध्वनि समस्त वातावरण में गूंज रही थी। हमारी प्रार्थना है कि भगवान शिव अपने इस अलौकिक रूप द्वारा हम सब पर अपनी कृपा एवं आशीर्वाद बनाए। वो इस तरह से जो नृत्य कर रहे हैं उसका महत्व क्या है, वो चीजें आज मुझे पता चली। तो यार सच में अभी भी मैं जब बात कर रहा हूँ तो वो गूज़बम्स आ रहे हैं। बट एनीवेज रितु, यार तुम बताने वाले थे इसके पीछे साइंस क्या है, मतलब? हाँ, इसके पीछे बड़ी ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम स्ट्रिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब शिव जी के हाथ में जो डमरू है वो परकशन इंस्ट्रूमेंट है, मेम्ब्रेन है उस पर। और ये स्ट्रिंग थ्योरी भी यही कहती है कि जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जो चीजें हम आसपास देख रहे हैं, वो अणु परमाणु एटम्स मॉलिक्यूल्स से नहीं बने हैं, बल्कि ऐसे ही मेम्ब्रेन्स से बने हैं जिससे अलग अलग स्ट्रिंग्स अटैच्ड है। और ऐसे ही स्ट्रिंग्स शिव जी के डमरू में भी अटैच्ड है। तो ये महज इत्तफाक तो नहीं हो सकता कि इतने सालों पहले लिखी गई रचना में ऐसे तथ्य मिल रहे हैं जिस पर अभी हमारे साइंटिस्ट्स काम कर रहे हैं, अभी भी खोज जारी है। तो अभी तक मतलब सिर्फ गाने सुने हैं, मैंने गानों में सुना था, कभी मतलब नहीं पता था। आज मतलब जान के जब गाने सुन रहे हैं तो वो श्लोक सुन रहे हैं, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, और ऐसे हर श्लोक के पीछे कुछ ना कुछ विज्ञान है, और ये जो सोच है विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी, साइंस और स्पिरिचुअलिटी दो अलग अलग चीजें हैं। तो ऑडियंस, आपका क्या ख्याल है कि इतने सालों पहले एक रचना हुई और आज की मॉडर्न साइंस जो चीजें स्टिल खोज रही है, क्या उनमें इस तरह की सिमिलैरिटीज जो हम पा रहे हैं, क्या ये महज एक इत्तफाक है?